जब हम स्पेस की बात करते हैं तो हमारे मन में स्टार एस्ट्रॉइड और ग्रह आते हैं। आज हम अपनी गैलेक्सी के ढेर सारे रहस्यों की बात करते हैं। आइए ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में जानिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारी गैलेक्सी का नाम आकाशगंगा है, जिसमें अरबों की संख्या में तारे और ग्रह मौजूद हैं। अभी तक जितने भी ग्रह खोजे गए हैं वे सभी आकाशगंगा में मौजूद हैं। आकाशगंगा रहस्यों से भरी हुई है। ऐसे इसमें धूल, ग्रह, तारे, उल्का पिंड तैर रहे हैं। ऐसे में आइए अपनी आकाशगंगा कुछ अनसुने रहस्यों के बारे में जाना जाए। फैक्ट नंबर 2, आकाशगंगा चारों ओर हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी तक फैली हुई है, लेकिन इसकी मोटाई कुछ हजार प्रकाश वर्ष ही है। इस तरह ये एक डिस्क की तरह है जिसमें धूल, गैस और तारे मौजूद है। फैक्ट नंबर 3, हमारा सौरमंडल 5,00,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा है। इस रफ्तार से भी हम आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल का वक्त लग जाता है। फैक्ट नंबर 4, आकाशगंगा के बिल्कुल बीचों बीच एक विशालकाय ब्लैक होल है जो हमारे सूरज के वजन से 40,00,000 गुना ज़्यादा वजनीय है। अभी तक किसी ने इस ब्लैक होल को सीधे तौर पर नहीं देखा है क्योंकि वह गैस और धूल के बीच छिपा हुआ है। फैक्ट नंबर 5, करीब 4 अरब साल बाद आकाशगंगा अपने नज़दीकी एंड्रोमेडा गैलेक्सी से टकरा जाएगी। वर्तमान समय में दोनों आकाशगंगाएं 2.5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। जब ये दोनों टकराएंगी तो कुछ तारों को खासा नुकसान पहुंचेगा। हालांकि हमारी पृथ्वी इस टक्कर से सुरक्षित बच जाएगी। फैक्ट नंबर 6, हमारी गैलेक्सी में अरबों की संख्या में तारे मौजूद है। इसमें से कुछ तो काफ़ी धीमे रोशनी देते हैं और कुछ कम वजन वाले हैं। हमारा सूरज भी उन्हीं तारों में से एक है। वैज्ञानिक का कहना है कि हमारी आकाशगंगा में करीब 300 से लेकर 400 अरब तारे हमारी गैलेक्सी में मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 7, हमारी गैलेक्सी में डार्क मैटर बड़ी संख्या में फैला हुआ है। इसे डार्क होल भी कहा जाता है। ये हमारी आकाशगंगा से कहीं अधिक विशाल है। डार्क मैटर को हमारी पृथ्वी से भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।